हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। माय नेम इज अभित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर, और आप देख रहे हैं हमारी क्लास करंट अफेयर शो। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? जी हाँ, मुझे लग रहा मैं लाइव हो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज शनिवार है और आज आपके दिन का वीकेंड है, मतलब आपके वीक का है ना। तो आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए। प्लान ये कि आज शनिवार है और आज हमने इसके पहले जो पूरे वीक पढ़ा है उसकी पूरी पूरा रीजन का स्केड्यूल होना चाहिए हमारे पास। तो प्रॉपर शेड्यूल बनाइए आज का, क्या प्लान से आपके हैं। और आज और कल ये दो दिन सबसे ज़्यादा मेहनत करना है आपको। ऐसा होता है कि शनिवार रविवार हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा हम आराम करते हैं। आराम उन्हें करना होता है जो जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग, आप कोई जॉब नहीं करते, आपको जॉब पाना है, तो ये दो दिन आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो शनिवार रविवार आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोग सुनो, सुबह 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 आप क्या बोल देते हैं, पूरा मूड खराब रहता है पढ़ने वढ़ने का ना। चलो शुरू करते हैं। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अपने सेगमेंट की, जो हमेशा हम बात करते हैं, रैंकिंग रिपोर्ट और इंडिसेस की। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों? तो यहाँ पर आपके लिए हम बात करने वाले हैं किसकी। देखिए, पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ बात करेंगे एल्यूमिनियम की। यहां हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास है वेदांता एल्यूमिनियम, ये हमारे देश की कंपनी है। ठीक, वेदांता एल्यूमिनियम रैंक फोर्थ अमंग द ग्लोबल एल्यूमिनियम कंपनीज इन डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ठीक, देखो डाउ जोन्स क्या दोस्तों? तो डाउ जोन्स ये अमेरिका का एक शेयर मार्केट इंडेक्स है, जैसे हमारे यहां सेंसेक्स एंड निफ्टी है ना, तो डाउ जोन्स जो है ये अमेरिका का इंडेक्स है। ठीक, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से वेदांता एल्यूमिनियम दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्लोबल एल्यूमिनियम कंपनी है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है यहां पर, आपको पढ़ना है, मैंने क्या बोला था, पहले हमेशा इंडेक्स का नाम देखो। तो नाम क्या है दोस्तों? नाम क्या है? डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ठीक, 21 ये नाम मालूम चल गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि वेदांता एल्यूमिनियम जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कंपनी है। तो पहले इंफॉर्मेशन यहां पर आपको ये दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और डीप में बढ़ते हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखिए दोस्तों, हमारे देश की वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी की हम बात करें, ठीक है, ये इंडियन कंपनी है। ठीक, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है एल्यूमिनियम, और ये चौथे नंबर पर आई है वर्ल्ड में, रैंक फोर्थ अमंग द ग्लोबल एल्यूमिनियम कंपनीज। ये कहां बोला गया है? ये बोला गया है डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। ठीक है, एक पॉइंट आपके सामने। तो वेदांता एल्यूमिनियम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है, भारत की पहली नंबर की कंपनी है। और ये कहां बोला गया है? डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 21 में। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये जो इंडेक्स है ये किसने पब्लिश किया है? और देखते हैं यहां पे, देखो दोस्तों, तो द इंडेक्स इज पब्लिश बाय द S&P स्टैंडर्ड एंड पूवर्स, आपने नाम पक्का सुना होगा। S&P ये एक ग्लोबल लेवल की रेटिंग कंपनी है, उसने ये पब्लिश किया हुआ है रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी। क्या थी? वेदांता एल्यूमिनियम ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग की, और दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की। ये कहां बोला गया है? डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, और ये इंडेक्स लॉन्च है इसने, S&P लॉन्च किया। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास दोस्तों। ठीक है, देखो यहां पे, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। यहां पे आपको दिया गया रिवीजन पॉइंट। देखिए, एप्पल कंपनी की बात करें दोस्तों, तो एप्पल ये रिवीजन पॉइंट है। एप्पल कंपनी वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 कंपनी, मैंने पढ़ाया आपको। ठीक, अगर इंडियन कंपनी की बात करें, तो इंडिया की बात करें गाइस, तो टाटा ग्रुप को मिला है ग्लोबल लेवल पर 78 रैंक। ठीक, और ये एक कंपनी केवल की होती जो टॉप 100 में आई है ब्रांड फाइनेंस में। तो ब्रांड फाइनेंस की बात करें, टाटा नंबर 78 पर है ग्लोबल लेवल पे। और अगर हम बात करते गाइस नेक्स्ट पॉइंट की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द आईटी सर्विसेज सेक्टर, मैंने आपको पढ़ाया। पहले नंबर पे एसेंचर। तो ये हमारे रीजन पॉइंट है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांड फाइनेंस 2022 की रिपोर्ट, एप्पल कंपनी पूरे दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अगर भारत की बात करें, तो भारत के लेवल पर टाटा ग्रुप मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे टाटा 78 नंबर पे है, और टाटा ही टॉप 100 में एकमात्र इंडियन कंपनी।
वो हो गया। अगर हम बात करते हैं आईटी कंपनी की पूरे वर्ल्ड में, तो ब्रांड फाइनेंस की आईटी कंपनी की बात करें तो हमारी टीसीएस जो है वो ग्लोबल लेवल पे नंबर 2 पर है, और पहले कौन है? एसेंचर। तो एक इंफॉर्मेशन रिवीजन आपके लिए था, ठीक है? चलिए, तो पहली इंफॉर्मेशन गाइस यहां पे खत्म होती है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अपॉइंटमेंट और रिजाइन का, ठीक? और यहां पर पहली इंफॉर्मेशन आपको हम क्या देने वाले, तो पहली इंफॉर्मेशन इसका एमसीक्यूज हम कल रात में कर चुके हैं, मिस्टर जी अशोक कुमार अपॉइंटेड एज द इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक अपॉइंट किया गया है, फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। मतलब आज तक हमारे देश में डिफेंस फोर्सेस में यह पोस्ट नहीं होती थी, यह नई पोस्ट बनाई गई गाइस। देखो एक बात मैं समझो, जिस तरह से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनके प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, ताकि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करे। गाइस वैसे क्या है, हमारे देश में अगर हम अपने मैरीटाइम की बात करें तो हमारे पास नेवल फोर्स है, हमारे पास कोस्ट गार्ड्स हैं, हमारे पास एजेंसीज हैं, है ना? तो कहने का मतलब इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखने के लिए ये पोस्ट को डेवलप किया गया है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन अपॉइंट हुए हैं? जी अशोक कुमार अपॉइंट हुए हैं, ठीक है? देख लीजिए पूरी इंफॉर्मेशन। फॉर्मर नेवी वाइस चीफ, ठीक, वाइस एडमिरल रिटायर हैं ये जी अशोक कुमार। मतलब ये आर्मी से, ये मतलब डिफेंस फोर्स से रिटायर हो चुके थे, इनको वापस बुलाया गया है इनके एक्सपीरियंस का यूज करने के लिए। तो जी अशोक कुमार जो है ये भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए, जो कि हमारे देश में मैरीटाइम सिक्योरिटीज को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, ठीक? जी अशोक कुमार, और ही विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू अजीत डोवाल, और ये अजीत डोवाल को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। यानी गाइस अजीत डोवाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अच्छे से पता है कहां पे थ्रेट है हमारे लिए, कहां पे लूप होल्स हैं। तो अजीत डोवाल के कहने पर ये पोस्ट क्रिएट की गई है। अजीत डोवाल सुपर कॉप, जानते हैं आपके बारे में, है ना? चलिए, तो ये पॉइंट दोस्तों हमारा हो गया। तो यहीं पर आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे देश के जो मेन इंपॉर्टेंट फोर्स के पोस्ट हैं। आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल एमएम नरवणे है, ठीक। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल हरिकुमार जी हैं, ठीक। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है दोस्तों? तो ये एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र राम चौधरी जी हैं, ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन जी हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है? सुजंदा जी हैं। कंट्रोलर जनरल अकाउंट कौन है? सोनाली सिंह जी, ये अभी अपॉइंट हुई हैं रिसेंटली में, सीजीए, ठीक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं, ठीक। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल जी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिनका अपॉइंटमेंट आपको हम बता रहे हैं। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है? तो ये एक बार रिवाइज कर लेंगे आपको तो अच्छा लगा आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन आपके ESIC में आते हैं या स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया दोस्तों। तो पहली इंफॉर्मेशन जी अशोक कुमार ये भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं, याद राम नाम रखिएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट हमारा हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन हमारे से अपॉइंटमेंट लेकर आगे बढ़ते हैं। अब अपने तीसरे सेगमेंट चलेंगे, और हमारा थर्ड सेगमेंट जो आज का है वो क्या है? बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी का। हमारा तीसरा सेगमेंट बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी का, हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है गाइस, देखते हैं यहां पर, ठीक है? देखिए दोस्तों, पहली इंफॉर्मेशन जेपी मॉर्गन बिकम द फर्स्ट बैंक टू एंटर द मेटावर्स। ये गजब का न्यूज है। जेपी मॉर्गन दोस्तों एक मिनट दीजिएगा, मुझे थोड़ा पानी पी लूं मैं। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना तो मेरा गला बैठ जाता है, जब मेरा गला बैठता है तो मैं साफ बोल नहीं पाता हूं ठीक से, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे, है ना? तो गाइस देखिए यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन बिकम द फर्स्ट बैंक टू एंटर द मेटावर्स। ये मेटावर्स का मतलब क्या हुआ वो हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन एक अमेरिकन बैंक है, एक बहुत बड़ा बैंक है, ठीक। तो जेपी मॉर्गन पूरे वर्ल्ड का पहला बैंक बना है जिसने मेटावर्स में एंट्री की है। अब ये मेटावर्स का मतलब क्या होता है पहले मैं समझाता हूं, ये मेटावर्स का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों ध्यान से, व्हाट इज मेटावर्स, ठीक? तो मेटावर्स इज अ वर्चुअल यूनिवर्स। मेटावर्स क्या है? वर्चुअल यूनिवर्स है। एक वर्चुअल मतलब एक तरह की वेबसाइट कह लो आप, ठीक।
वेयर यूजर्स कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक सोशलाइजिंग, शॉपिंग और इवन अटेंडिंग इवेंट थ्रू देयर अवतार, थ्रू देयर अवतार। गाइस जैसे होता नहीं है, हम लोग अपना कार्टून बनाते हैं, कुछ एप्लीकेशन आते हैं हमारे कार्टून बन जाते हैं, तो आप अपने अवतार के थ्रू उस साइट में अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आप को बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन बना दीजिए, कोई बिजनेसमैन, कुछ भी बना दीजिए आप। मतलब एक तरह का वर्चुअल वर्चुअल दुनिया है जहां पे आपका एक अवतार होता है और वो आप चाहे उसमें जो कर सकते हो आप उसमें, ठीक है, ये मेटावर्स होता है, ठीक है। और देखो यहां पे, अच्छा इतना ही बोला गया है। तो मेटावर्स इज अ वर्चुअल यूनिवर्स, तो वेयर यूजर्स कैन डू मल्टीपल एक्टिविटी लाइक सोशलाइजिंग, शॉपिंग और इवन अटेंडिंग इवेंट थ्रू देयर अवतार। तो ये रियलिटी नहीं है, ये क्या बात हो रही है, वर्चुअल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या क्या पॉइंट है यहां पे। तो जेपी मॉर्गन दुनिया का पहला बैंक बना है जो कि मेटावर्स में एंटर किया है। इसका मतलब क्या, देखो जेपी मॉर्गन हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट बैंक टू सेटअप शॉप इन द मेटावर्स। यानी कि एक आर्टिफिशियल दुनिया है, ऑफिस है, वहां पर जेपी मॉर्गन ने अपना ऑफिस खोल दिया है, ठीक। द लार्जेस्ट बैंक इन द यूएस हैज ओपन अ लाउंज इन द ब्लॉकचेन बेस्ड वर्ल्ड, मतलब वही है कि मेटावर्स में इन्होंने अपना एक लाउंज खोल दिया, एक लाउंज खोला है, ठीक है, लाउंज खोला है। अब देखो यहां पे और क्या है, यूजर्स कैन क्रिएट देयर वर्चुअल अवतार, बिल्ड वर्चुअल स्पेस एंड रूम इन द लाउंज, चेरिस्टेंड ऑनसी लाउंज आफ्टर इट्स सूट टू इंटरम बेस्ड सर्विस। अच्छा इसका मतलब क्या, एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म है और जेपी मॉर्गन ने अपनी शॉप खोल दी है। आपका मन, आप अपने अवतार में जाओ, इनके लाउंज को बुक करो, वहां पर बैठो। इनके लाउंज को हम क्या बोलेंगे, इनके लाउंज को हम बोलेंगे हिंदी में अगर देखें तो ओनिक्स लाउंज बोलेंगे, ठीक है। तो ओनिक्स लाउंज, तो बस तुम्हें ये ध्यान देना, मतलब कुछ भी रियलिटी नहीं है, कुछ भी रियलिटी नहीं है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। जेपी मॉर्गन का वहां बैंक है, ब्रांच है, लाउंज है अपना, और ये लाउंज का नाम क्या है, ओनिक्स लाउंज है। आप यहां अपना अवतार क्रिएट करिए, आप बैंक में जाइए, बैंकिंग करिए, ये लाउंज का नाम है ओनिक्स लाउंज, ठीक। और देखो क्या यहां पे, द लाउंज आल्सो फीचर्स अ डिजिटल इमेज ऑफ द बैंक्स सीईओ जेमी डिमोन। तो इस लाउंज में बैंक के सीईओ की भी इमेज मिलेगी आपको, मतलब वो भी यहां पर होंगे। नाम क्या है, जेमी डिमोन, उनका भी अवतार यहां पर है। तो कहने का मतलब सीधा पूछा है, केवल ये इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, कुछ और नहीं है यहां पर, आप कोई बैंकिंग नहीं करते हो, केवल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए चीजें हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, तो ये कुछ वर्चुअल रियलिटी नहीं है, केवल एक इंटरेक्शन के लिए है और साथ ही साथ अपने आप को डिजिटली प्रमोट करने के लिए। तो कहने का मतलब फिर से आप देखो एक बार, तो जेपी मॉर्गन हमारे पूरे दुनिया का पहला बैंक बना जिसने मेटावर्स में अपना अपनी एंट्री की है। इसने मेटावर्स में अपना एक लाउंज खोला है, लाउंज का नाम क्या है, लाउंज का नाम है आपका ये कहा गया, हाँ, ओनिक्स लाउंज, ठीक। तो यहां पर आप लोग अपने अवतार के थ्रू बैंकिंग कर सकते हैं। बैंकिंग का मतलब वो भी रियलिटी में नहीं है, वो भी ऐसा ही है बैंकिंग, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, और हाँ ये देखो, तो आपका क्या हो गया यहां पे, जेपी मॉर्गन बैंक के सीईओ कौन है, जेमी डिमोन, इनका भी इमेज वहां पर आपको मिल जाएगा। तो मेटावर्स क्या है, ये एक वर्चुअल यूनिवर्स है जहां पर आप अपने अवतार के थ्रू मल्टीपल काम कर सकते हो, ये यहां पर बोला गया। इज दैट क्लियर गाइस, पहला पॉइंट हमारा। इससे कुछ नहीं होगा बेटा, ये केवल एक तरह का मतलब डिजिटली प्रेजेंटेशन है यार, मतलब एक तरह का एडवर्टीजमेंट। आपने सुना नहीं है, कोई कार कंपनी होती है जो कार का ऐड करने के लिए कार को अपने ऊपर लगा देती है, शॉप पर लगा देती है, ये एक तरह का ऐड है। इसे हम बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग का मतलब होता है कि ऐसी कुछ मार्केटिंग कि दुनिया चौंक जाए आपको देखकर, गोरिल्ला मार्केटिंग इसे बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसमें, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है अपने आप को, और कुछ नहीं है, ठीक। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जेपी मॉर्गन की। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ कौन है, जेमी डिमोन, ठीक। जेपी मॉर्गन को कब बनाया गया था, 1 दिसंबर 2000 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में इसका है, यूएसए का सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन बैंक, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे बढ़े गाइस, बात करते हैं न्यूज नंबर टू की, और इसका एमसीक्यूज कल रात में हम कर चुके हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लॉन्च इंटरेस्ट ओनली होम लोन फैसिलिटी। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने केवल ब्याज लोन की बात बोली है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फॉर एग्जांपल गाइस, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, मैं गया बैंक और मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ये होम लोन लिया, ठीक। कौन सा लोन, इंटरेस्ट ओनली होम लोन। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पर ईएमआई देनी पड़ती है,
ईएमआई आपको देनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइस, मान लीजिए कि मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक, और मैंने बैंक से बोला कि मैं 10 महीने में आपका पैसा वापस कर दूंगा, और बैंक ने मुझ पर 10% का ब्याज लगाया, ठीक। तो जो मेरी ईएमआई बनेगी पर मंथ, तो कैसे बनेगी, 1 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने 10 मंथ में पैसे वापस करने बोल लिया, और प्लस जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा, इसे हम बोलते हैं ईएमआई, ठीक। तो जेपी मॉर्गन, सॉरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्या निकाल दो, इंटरेस्ट वाला केवल ना, देखो इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि मैंने क्या बोला बैंक से कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए आपसे, और शुरुआत के 1 से 3 महीने तक मैं आपको कोई ब्याज, कोई ईएमआई नहीं दूंगा, ये पॉइंट नहीं दूंगा, मैं केवल ब्याज दूंगा आपको। 3 महीने के बाद जब 7 महीने बचेंगे तो आप मेरे को बताओ मुझे कितना पैसा आपको देना है। कहने का मतलब ये होता है कि आप बैंक से होम लोन लेते हो और शुरुआत के 3 साल तक आप चाहो तो एक भी प्रिंसिपल अमाउंट मत दो, आप केवल ब्याज दो, वो आपके ऊपर केवल ब्याज दो आप। जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी, ठीक है, देखिए आप दोस्तों, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया हैज लॉन्च द इंटरेस्ट ओनली होम लोन फैसिलिटी फॉर कंप्लीटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वेयर बोरोवर कैन पे ओनली द इंटरेस्ट विदाउट प्रिंसिपल डिडक्शन ड्यूरिंग द लिमिटेड पीरियड। बट वही बात बोलेगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हिंदी में अपने कि मतलब आप बैंक से लोन ले लो, ठीक, और आपको स्टार्टिंग में या जब भी मन करे आपका, आप केवल ब्याज पे करो, आपको प्रिंसिपल अमाउंट का एक पार्ट पे नहीं करना, ठीक। और देखो यहां पे बोरोवर कैन चूज टू पे ओनली द इंटरेस्ट अमाउंट विदाउट प्रिंसिपल थ्रू ईएमआई फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ अप टू 1 to 3 ईयर, यानी आपका 1 साल से लेकर 3 साल तक आपके पास है, आप चाहो तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए फैसिलिटीज ले सकते हो, लेकिन हाँ जो इस टाइम पीरियड पे आपको ईएमआई देनी थी आपने नहीं दी वो अगली बार में काउंट हो जाएगा, तो यह भी दिक्कत है, आपको देना पड़ेगा ही पैसा। बस ये है कि अगर आप इस टाइम पीरियड पे पैसा देते तो आपको कम देना पड़ता, अब 1/8 देना पड़ेगा आपको, तो ये मतलब है। पहले मुझे बताओ क्लियर होगा नहीं कॉन्सेप्ट, पहले मुझे बताओ, देवेंद्र बोल बहुत बड़ा अच्छा एक कमेंट आया, मैं पढ़ना चाहूंगा इसे। सर सॉरी टू से आप इतना डीपली मत जाया करिए, प्लीज टू द पॉइंट ही बता दिया करिए प्लीज। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हमारा था जो हमने आपको बता दिया, क्लियर हुआ दोस्तों, ये मतलब क्या निकला इसका, इसका मतलब क्या निकला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट केवल इंटरेस्ट, आपको ईएमआई का पार्ट नहीं देना है 1 से लेकर 3 साल, लेकिन उसके बाद तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एक इंफॉर्मेशन ये हमारे पास, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फाउंडेड 1969, हेडक्वार्टर लंडन, एंड बिल विंटर्स ये सीईओ है किसके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, ठीक है। ये इंटरनेशनल बैंकों के भी हेडक्वार्टर आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, हमने जेपी मॉर्गन पढ़ा भी, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पढ़ा, ये जरूरी है आपके लिए तो याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात मैं बोलना चाहूंगा और मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बात किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, ऐसे पूछ रहा हूं दोस्तों, जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं, डजंट मैटर कि आप नए हो या पुराने हो, मैटर नहीं करता आप नए हो कि पुराने हो, क्या आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो, मतलब पेपर कैसा बना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एश्योर हूं कि क्वांट में करते हो आप लोग, करते होगे मेरे ख्याल से, नहीं करते होगे तो करोगे अभी, रीजनिंग में करते होगे या करोगे अभी, इवन इंग्लिश में भी आप करते होगे, लेकिन मैं ये 100% बता सकता हूं कि आप कभी अपने से ये प्रयास नहीं करते होगे कि जीए का प्रीवियस पेपर कैसा आया, और ना तो आप किसे पूछते होगे, देखो क्यों, उसका रीजन है, हम करते हैं ये काम लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले, 5 दिन पहले या 10 दिन पहले, ठीक। अगर हमें ये पता होता, अगर ये काम हम करते होते पहले से ही कि सर पेपर कैसा आता है, या फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लोग और भी हैं जो मेंस दे बैठे हैं उनसे पूछ लें कि यहाँ पेपर कैसा आता है, इस बार आईबीपीएस पीओ की बात करें, कट ऑफ कितनी गई जीए की, कितनी गई है इस बार आईबीपीएस पीओ में, जीए कट ऑफ कितनी गई है जरा बताओ मुझे, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से गाइस, इस बार आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ जीए में कितनी गई है मेंस में, पहले मुझे आंसर करें आप लोग,
अभी तक कमेंट नहीं आए हैं, कितनी कटा भैया? 3.75, 1.75, 3.75, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे लगता है कि सबसे कम कट ऑफ गई है जीए की इस बार। मैथ किसके ऊपर, रीजनिंग किसके ऊपर, इंग्लिश किसके ऊपर? तो अगर मेरे ख्याल से हमें यह थोड़ा बुद्धि ज्ञान होता कि 3.75, 1.75 कट ऑफ गई है जीए की, तो शायद अपना मुंह खोलने से पहले हम सोचते ये बात कि सर सॉरी टू से प्लस, लेकिन आपको इतना डीप में पढ़ाना नहीं चाहिए, आप केवल मेन पॉइंट बता दिया करिए, ठीक है। तो बाबू लोग पहले पेपर देखो जाकर, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है तब मेरे को ज्ञान बताओ, है ना। मैं यहां पे खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं, तुमसे ज्ञानी हूं तो ही पढ़ा रहा हूं। और तुम ही लोग हो, तुम ही लोग हो। इस बार ऐसा हुआ कि मतलब बच्चों ने जीए फैकल्टी को खिलौना बना दिया। मतलब मुझे लगता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर मेरे जो बच्चे हैं मेरे से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, लेकिन मेरा दिल तब टूट गया जब लोगों ने मीम मेरे टेलीग्राम पे शेयर करना शुरू किया, जबकि मैंने 100% मेहनत की थी गाइस। और मैं ये प्राउडली बोल सकता हूं कि मेरे सारे क्वेश्चन तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे ही आए थे, क्योंकि हमने मेहनत बड़ी की थी। मैं ये नहीं बोला मेरे 25 क्वेश्चन आए थे या 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। और जब वो मैंने मीम देखा ना, मुझे नाम याद है यार, मैं नाम ले सकता हूं, मैं सबके नाम नोट किए हुए किसने किसने मेरे टेलीग्राम पर मीम शेयर किया। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल एक बहाना बनाना है कि सर पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। और जितने जीए फैकल्टी पढ़ाते हैं सबके तुम्हें मजे लेने, केवल जीए टीचर की बात करें गाइस तो रात भर जाग के कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट मिलता नहीं है, कंटेंट मिलता नहीं है। द हिंदू पर सुबह 4 बजे अपडेट होता है, मनी कंट्रोल में रात में 1 बजे अपडेट होता है, हमें टाइम के हिसाब से जाग जाग के कंटेंट बनाना पड़ता है, फिर सुबह वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब रात भर देते हैं इसमें, तब आगे सो पढ़ाते हैं। और आप क्या बोलते हो, सर सॉरी टू से लेकिन एक पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लोगे तुम, हो जाओ सेक्शन वाला, थोड़ा समझो इस बात को। पढ़ना नहीं है मत पढ़ो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का मोटिवेशन डाउन मत करो, क्योंकि मोटिवेशन रात भर का होता है। जाग जाग के आंख सूजी, ये हमारी आंख सूजी होती है, सुबह हम क्यों नहीं बोल पाते भाई, इतने ध्यान से उसे बनाना पड़ता है कि बहुत टाइम लग जाता है। दिन में सोते हैं पता आपको क्लास कैसी होती है हमारी, 8 से 9 10 बजे क्लास है, 10 से 11 फिर 1 बजे क्लास है, 1 से 2 फिर 3 बजे क्लास है। ऐसा टाइम है कि दोपहर में सो भी नहीं सकते हैं और शाम को कंटेंट बनाना होता है 6 बजे से। तो मतलब पूरी नींद लेते हैं हम, अभी लेते हैं, और ये मैं अपनी बता रहा हूं, ये हर जीए फैकल्टी की बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता है। और ये मेहनत आपके लिए हो रही है केवल, तो आपके लिए हो रही है। तो अगर आपको इसका सम्मान नहीं है मेहनत का, तो भाई एग्जाम में तुम्हारा सम्मान हो नहीं पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें यहां पे। और ये केवल एक बच्चे की बात नहीं जिसने कमेंट किया, ये उन सारे बच्चों की बात है जो अभी भी अपने करियर को लाइट ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं। कुछ नहीं है, हम कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 1.75, 3.7 कट ऑफ गई है, देख लो एग्जाम में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक। चलिए, सिडबी एक्सपेंड इट्स एमएसएमई प्रोग्राम टू बिहार। गाइस कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि सिडबी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कहां पे, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में। आज हम क्या बात कर रहे हैं, सिडबी ने अपना कोई एमएसएमई प्रोग्राम है जो एक्सपेंड किया है बिहार में। ये एमएसएमई प्रोग्राम है, कल आपका एमएसएमई प्रोग्राम नहीं था कल का, ये आज का है। तो सिडबी ने एक्सपेंड किया है अपना एमएसएमई प्रोग्राम टू बिहार, ठीक है। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन यहां पे, देखिए दोस्तों, तो सिडबी हैज पार्टनर विद द बिहार गवर्नमेंट टू डेवलप द स्टेट एमएसएमई इकोसिस्टम, यानी बिहार में एमएसएमई का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एमएसएमई को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब उन स्टेट में है या नहीं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। तो सिडबी बिहार में बिहार गवर्नमेंट के साथ टाइप करेगा और बिहार में एमएसएमई इकोसिस्टम को डेवलप करेगा, ठीक है। देखिए इसके लिए सिडबी ने 2 एग्रीमेंट साइन किए, पहला इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आप कट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आप इतना देखो समझो कि सिडबी ने बिहार में एमएसएमई इकोसिस्टम डेवलप के लिए बिहार गवर्नमेंट से हाथ मिलाया, एग्रीमेंट किया है, बस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, बस इतना, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, सिडबी, तो सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेयरमैन एमडी श्री एस रमन, इसे एस रमन याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया हुआ
क्योंकि फुलफा में भूल जाते हैं हमेशा, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 लखनऊ हेडक्वार्टर है, चेयरमैन एमडी एस रमन है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर हम रिविजन पॉइंट की बात करें तो कल हमने क्या पढ़ाया था कि सिडबी ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, कहां पे? वेस्ट बंगाल सुंदरबन में, कल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एमएसएमई इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन बिहार, सिडबी। तो दोनों में अंतर है लैंग्वेज में, ठीक है। आइए आगे बढ़े। चलिए, तो यह हमारा तीसरा सेगमेंट था, यानी पहला सेगमेंट हमने क्या पढ़ा, तो पहला सेगमेंट हमने पढ़ा रिपोर्ट इन बैंकिंग का, जहां पर हमने बात की स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने एक इंडेक्स निकाला था जिसमें क्या बताया गया कि हमारे, देख लीजिए यहां पे मैं रिवीजन करता हूं पूरा, कि विदांता एल्यूमिनियम चौथे नंबर पे है अमंग द ग्लोबल एल्यूमिनियम कंपनीज इन डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक। और S&P ने इंडेक्स निकाला था। दूसरा हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जी अशोक कुमार ये अपॉइंट हुए भारत के पहले नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये हमारा पॉइंट हो गया था, ठीक। तीसरा पॉइंट, जेपी मॉर्गन बिकम द फर्स्ट बैंक टू एंटर द मेटावर्स, ये पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। और ये आप ध्यान देना, ओनिक्स लॉन्च ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लॉन्च इंटरेस्ट वनली होम लोन फैसिलिटी, इंटरेस्ट वनली होम लोन फैसिलिटी, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक। और देखिए, सिडबी ने एक्सपेंड किया एमएसएमई प्रोग्राम टू बिहार, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो ये पॉइंट हमने रिवीजन कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग इसकी नेशनल न्यूज की। नेशनल न्यूज में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो स्कीम है, पर्सनली इस स्कीम को मैं बड़ा पसंद करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है, पर्सनली इसको मैं बड़ा पसंद करता हूं। क्यों करता हूं, देखो दोस्तों, हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, मैंने हमेशा आपको पढ़ाया है कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, और हमारे देश में पैसे का एक लेवल, ठीक। ये पैसा है हमारे देश में, ठीक है। अगर हमारे देश में पैसा बाहर से डाला जाएगा तो पैसा बढ़ेगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या RBI ने पैसा पुट कर दिया देश में, तो पैसे का लेवल बढ़ेगा, तो पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारी अपनी जेब में आता है। और जब पैसा बढ़ता है, जब इनकम बढ़ती है हमारी, तो हम डिमांड को बढ़ाते हैं देश में, ठीक। जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यह एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, यह हमेशा मैंने पढ़ा आपको मॉनेटरी पॉलिसी में, कि जब देश में पैसे का लेवल बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं देश में डेवलपमेंट होता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी आता है। तो पैसा कैसे हम डालते हैं देश में, पैसा हम कैसे डालते हैं, तो उसकी बात करें। देखो ध्यान सुनो दोस्तों, तो पैसा देश में कैसे डाला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार के बजट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 48,000 करोड़ रुपीज ये पैसा आवास योजना में बांटेंगे, ठीक है। आपको मालूम है शायद, दो गाइस, आवास योजना क्यों, जब आप मकान बनाते हो, है ना, मकान जब आप बनाते हो तो मकान एक ऐसी चीज है, जब आप मकान की डिमांड करते हो तो देखो, प्लंबर वाले की डिमांड अपने आप हो जाएगी, लेबर की डिमांड अपने आप हो जाएगी, मिस्त्री की डिमांड अपने आप हो जाएगी, बालू वाले की डिमांड अपने आप हो जाएगी, गिट्टी वाले की डिमांड अपने आप हो जाएगी, सरिया वाले की डिमांड अपने आप हो जाएगी, सीमेंट वाले की अपने आप हो जाएगी, समझो मेरी बात को, कारपेंटर की अपने आप। तो घर एक ऐसी चीज है जिसे हम बोलते हैं डिराइव डिमांड। अगर आप घर की डिमांड करते हो तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, फॉर एग्जाम्पल टाइल्स वाले को, पाइप वालों को, हार्डवेयर वालों को, है ना, तो समझो मेरी बात को। तो ये जो गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये मुझे क्यों तक सकता है, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक है। आपने इतना पैसा जो है डाला घरों में, इससे इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इतने लोगों को, ये एक अपने आप में ड्रास्टिक चेंज है। फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो, अब अगर किसी लेबर को पैसा मिला, वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएगा, ठीक, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, पढ़कर निकलेगा, ऑफिसर बनेगा, देश हमारा डेवलप होगा। एक प्लंबर को पैसा मिला, वो अपने ये पैसा मान लो बैंक में निवेश कर देगा, बैंक इस पैसे को आगे लोन बांटेगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक से कुछ जुड़ा हुआ सब कुछ। तो ये गवर्नमेंट स्कीम क्यों इतनी याद आती है, देखिए यहां पे, ये है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव। और माफ करना मेरे दोस्त, ये एक लाइन में क्लियर नहीं होता है, माफ कीजिएगा मुझे, ये एक लाइन में कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा तुम्हें, ये क्या मतलब है प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, तो सेंटर सैंक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ द 60,000 होम अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इन 5 स्टेट, यानी भारत सरकार ने 5 स्टेट में, 5 राज्यों में 60,000 घर बनाने की बात बोली है।
60,000 अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। देखिए दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि ये 60,000 घर बनाएंगे, 5 राज्यों में बनाएंगे, ठीक है। अब ये 5 राज्य कौन से है? कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। आपको इन 5ों स्टेट के नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम। पिछले साल हमारे मोदी जी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 राज्यों में शुरू किया था, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60,000 मकान बना रही है ना, कितने राज्यों में? 5 राज्यों में, या इसमें से कौन सा राज्य था या नहीं था। तो आपको स्टेट का नाम भी याद करना चाहिए इसमें, ठीक है। आप देख लीजिए आप लोग, ड्यूरिंग द 58th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सैंक्शनिंग कमेटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 58वीं मीटिंग थी वो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 60,000 हाउस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और ये 5 राज्य हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा। तो मैंने आपसे क्या बताया कि यार ये आवास योजना क्यों, भारत सरकार ये आवास योजना पे इतना फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि आवास योजना एक ऐसी चीज है जिसे हम बोलते हैं डिराइव डिमांड। आप घर की डिमांड करो, बहुत लोग का घर का चूल्हा चौका जलता है इससे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर दवर्च और इसमें कुछ करना है, तो मीटिंग 58 मीटिंग हुई थी अभी, मीटिंग ऑफ द सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड द मॉनिटरिंग कमेटी, और इस कमेटी को लीड किया था मनोज जोशी जी ने, सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोज जोशी जी ने, ठीक है। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 की बात करें, इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस जो स्कीम आई थी, ये स्कीम आई थी 2015 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि 2022 तक क्या होगा, हाउसिंग फॉर ऑल होगा। आप देखो यहां पर लिखा है 31 मार्च 2022 तक। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो स्कीम आई है वो हमारे देश में आई है, 15 में आई है, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि 2022 तक सबके पास अपने मकान होने चाहिए। अच्छा एक बात और, मकान क्यों होने चाहिए? मतलब ये तो हमने कहा कि चलो अगर हम समझते हैं इकोनॉमिकली तो मकान बनने से देश में डेवलपमेंट होता है, लेकिन मकान ही क्यों? दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, पूरे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक काफी कमजोर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी देश में रह रहे लोगों का रखना दिखता है, वो कैसे रहते हैं, और उसमें हाउसिंग काउंट होती है। अगर आपके देश में लोगों के पास मकान है तो आपकी रैंक अच्छी हो जाती है, तो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छी रैंक पानी है तो आपको अपने देशवासियों को हाउसिंग देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट है हमारा, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेशनल न्यूज में न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों। अब यहां पर हम क्या बात करें, जैसे एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लगी, जैसे गाइस की जो गवर्नमेंट है इस समय, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो हमारी पब्लिक भी है, आजकल हम अपने देश में ही टूरिस्ट जो वो है, मतलब साइट्स हैं, उनको हम काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बजाय हम बाहर जाएं, हमारे देश में बहुत सारे साइट्स हैं जो हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इंडिया गाइस अगर हम बात करें तो इंडिया एक हॉट डेस्टिनेशन है टूरिज्म का। आप चाहे साउथ की बात कर लें, नॉर्थ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, यूपी, मतलब ढेरों साइट्स हमारे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे देश में टूरिज्म का सेक्टर बढ़े। इससे फायदा क्या है दोस्तों? देखो अगर टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, दुनिया भर के लोग हमारे देश में आएंगे। जब दुनिया भर के लोग हमारे देश में आएंगे तो वो अपने अपने देश की मुद्रा लेकर आएंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, है ना। तो FAITH, अब ये क्या है मैं बताऊंगा, FAITH रिलीज इंडिया टूरिज्म विजन डॉक्यूमेंट, ठीक। और इसने क्या बोला गया है कि गोल्स एंड बेंचमार्क फॉर द टूरिज्म टिल 2035, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में एक संस्था है FAITH, ठीक, इसने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है कि 2035 तक हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म। हम इसकी बात करेंगे तो आपको ये ईयर याद रखना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या पॉइंट यहां पे है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ द एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये नाम है फेडरेशन ऑफ द एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों ये क्या है, ये हमारे देश में एक अपेक्स बॉडी है, हमारे देश में जो भी संस्थाएं हैं फॉर द टूरिज्म उनका ये मेन बॉडी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है,
सबका अपना ग्रुप होता है ना, तो हमारे देश में जो ट्रैवलिंग टूरिज्म इंडस्ट्री है उनका ये ग्रुप मेन चीफ बॉडी है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी। ठीक, तो इसने क्या बोला, इसने रिलीज किया है FAITS 2035 विजन डॉक्यूमेंट, ठीक, जिसमें क्या बोला गया, कंटेनिंग गोल्स एंड एग्जीक्यूशन पाथ फॉर मेकिंग इंडिया टूरिज्म प्रेफर्ड एंड लव बाय द वर्ल्ड बाय द ईयर 2035। यानी 2035 तक इंडिया को मतलब एक इस लेवल पर जाना कि मतलब पूरी दुनिया के लोग इंडिया को पसंद करें, मतलब 2035 तक इंडिया को टूरिज्म का हब बनाना, यह बात हो रही है। तो FAITS 2035 विजन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब यह है कि इस डॉक्यूमेंट में गोल्स लिखे गए हैं कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करें कि 2035 तक भारत एक हॉट डेस्टिनेशन बन जाए पूरी दुनिया के लिए, यह बात यह बोली गई। ठीक है, आगे बढ़िए। द विजन डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉन्च कंवर्टिंग द 75th ईयर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप इसे आगे बढ़ते इसे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। FAITS इज द पॉलिसी फेडरेशन फॉर ऑफ ऑल द नेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट टूरिज्म ट्रेवल। ठीक है, तो देखो यहां पे नकुल आनंद इज द चेयरमैन ऑफ द FAITS, जो मैंने आपसे बोला था। तो FAITS हमारे देश में ट्रेवलिंग इंडस्ट्रीज जो है उनका मेन बॉडी है, नकुल आनंद इज द मेन चेयरमैन, और इन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला है 2035 के लिए कि 2035 में हमें कौन कौन से गोल अचीव करने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है ताकि दुनिया भर के लोग हमारे देश में आए, ये सिंपल सा मतलब है। तो यहां पे आपको FAITS का नाम, नकुल आनंद का नाम, विजन डॉक्यूमेंट कौन से साल के लिए आया है 35 के लिए, इतना पढ़ना है बस। लेकिन बिलीव मी ऐसे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा योग है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज। तो यहां पर पहले हम क्या बात करेंगे, हम पहले बात करने वाले हैं यूएस बांग्लादेश। यूएस बांग्लादेश का अपना एक डिफेंस एक्सरसाइज होने वाला है, नाम क्या है, कोप साउथ 22। यूएस बांग्लादेश का ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज, ये एयरफोर्स का है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, देखो इंडिया के जस्ट बगल में बांग्लादेश, तो आपके बगल में कुछ हो रहा है आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया बांग्लादेश ढाका में एयरफोर्स एक्सरसाइज करने वाले हैं, नाम क्या होगा, COP South 22। ठीक है, देखिए आप दोस्तों, द एयरफोर्स ऑफ द बांग्लादेश एंड द यूएस विल कंडक्ट अ ज्वाइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज COP Site 22। तो बांग्लादेश साउथ यूएसए, नाम क्या है दोस्तों, देखो यहां पे नाम है COP South 22, और ये कहां पर, ढाका में होगा, आपको मैं दिखाता हूं ये कहां पर होगा। तो ये होगा आपका ढाका में, ये बेस याद नहीं करना आपको, आपको मतलब नहीं है, बस याद रखिए आपके बगल में बांग्लादेश और यूएसए ढाका में एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा है, नाम क्या है उसका, COP South 22, इतना पढ़ना है बस आपको, और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं। आप हमारा पीडीएफ ओपन करोगे तो पीडीएफ में गाइस आपको हम और भी इंफॉर्मेशन तो देंगे इसमें रिवीजन पॉइंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज में, न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे। और नेपाल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया। नेपाल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया। आप बोलेंगे सर नेपाल क्यों, आपने पढ़ाया यूएई पढ़ाया, आपने सिंगापुर पढ़ाया है, आपने भूटान पढ़ाया है, नेपाल कैसे। देखो आप चाहे भूटान की बात करो, आप चाहे सिंगापुर की बात करो, और आप चाहे यूएई की बात करो, इन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट नहीं किया है। इनके देश में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो यूपीआई की तरह कुछ बनाएंगी, वो टाई अप करेंगे एग्जैक्टली में। प्रॉपर यूपीआई अडॉप्ट करने वाला पहला देश नेपाल है। नेपाल टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म, यानी हमारा यूपीआई वो यूज करेंगे। सिंगापुर के पास अपना प्लेटफॉर्म है, यूएई के पास अपना प्लेटफॉर्म है, भूटान के पास अपना बन रहा है अपना, तो हम लोग या तो हेल्प कर रहे हैं उनकी बनाने में, हम अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे उनको यूज करने के लिए, लेकिन नेपाल हमारा यूपीआई यूज करेगा हमारा। ठीक है, देखिए तो एनपीसीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यूपीआई सिस्टम। तो ये भारत का यूपीआई सिस्टम पूरा अडॉप्ट कर रहा है पूरा। ठीक है, आप देखो यहां पे इसके लिए क्या हुआ, फॉर दिस एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये हमारे देश में एनपीसीआई के अंडर में काम करने वाली कंपनी, तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद द गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड द मनम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड टू डिप्लॉय द यूपीआई फैसिलिटी इन नेपाल। अब ये गेटवे कौन कंपनी, देखो यहां पे देखो ध्यान से, गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑथोराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर इन नेपाल। तो गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
ये नेपाल की एक कंपनी है, ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एक कंपनी है। हालांकि ये काफी डीप इंफॉर्मेशन है, आप याद करो केवल गेटवे पेमेंट कंपनी और मनम इंफोटेक कंपनी, ये दो कंपनी यूपीआई को नेपाल में डिप्लॉय करेंगे। तो आप याद कर लो, गेटवे पेमेंट कंपनी और मनम, गेटवे मनम, गेटवे मनम, आपको दो शब्द याद रखने, यहां पे गेटवे और मनम, ये याद करो बस, और आपका एनपीसीआई हो गया आपका। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया कि नेपाल दुनिया का पहला देश बन गया जो कि यूपीआई अडॉप्ट करेगा, और वहां पर यूपीआई का पूरा जो एडॉप्शन है वो गेटवे कंपनी और मनम कंपनी मिल करेंगी। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट गाइस यहां पर हो गया हमारा, हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर आप पीडीएफ की बात कर रहे हो, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। देखिए पीडीएफ के लिए क्या हुआ है, पहले मेरी बात समझिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग के पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन होगा, है ना, आप लोग के पास अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन होगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। क्या होगा दोस्तों, मैं अनअकैडमी, देखो जब आप लोग एप्लीकेशन खोलोगे ना तो नीचे बिल्कुल आपको कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा, कम्युनिटी का, ठीक। मैं पीडीएफ को अनअकैडमी कम्युनिटी पर लिंक कर दूंगा और उसका लिंक मैं यहां पर वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा, तो सीधे आप वहां पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे आप, ठीक। तो बस कुछ करना नहीं है, वीडियो खत्म होने के बाद आप थोड़ा वेट करना, कमेंट बॉक्स में एक लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, वहां कहां पे लिंक पर। तो अगर आपके पास अनअकैडमी का ऐप नहीं है, लिंक काम नहीं करेगी, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अनअकैडमी का एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए अब यहां क्या बताएंगे, एमओयू अग्रीमेंट की पहला पॉइंट हमारे सामने का, देखिए इंडिया एंड जर्मनी साइन अ वर्क प्लान फॉर कोलैबोरेशन टू द स्ट्रेंथन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारत और जर्मनी ने क्वालिटी इंफ्रा डेवलपमेंट करने के लिए आपस में एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया और जर्मनी ने आपस में एमओयू साइन किया हुआ है टू स्ट्रेंथन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। देख ले आप दो, स्ट्रेंथन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एंड जर्मनी ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया। पूरी इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों, देखिए इंडिया एंड जर्मनी हैव साइंड अ वर्क प्लान फॉर कोऑपरेशन टू स्ट्रेंथन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स, एनहेंस प्रोडक्ट सेफ्टी एंड द स्ट्रेंथन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया और जर्मनी ये लोग हैं, ये लोग मिलकर काम करेंगे उन सेक्टर्स में जहां पर, जहां देखो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर किसी भी देश में इंफ्रा कैसे बढ़ता है, किसी भी देश में इंफ्रा कैसे बढ़ता है, मैंने आपको बताया था बजट वाली क्लास में, बजट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास खूब हाईवे बन जाएंगे, अच्छे हाईवे, तो हम सामान को यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन जाएंगे तो हम प्रॉपर हाईवेज को वाटरवे के थ्रू, वाटरवे को पोर्ट के थ्रू हम अटैच कर देंगे, तो सामान हमारा फटाफट यहां से वहां आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि आप अपने लॉजिस्टिक को कैसे डेवलप करते हो, ये बात हो रही है। अगर आपके देश की इकोनॉमी बढ़ानी है तो आपको ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, और ट्रेड बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया और जर्मनी जो है ये बेसिकली काम करेंगे लॉजिस्टिक पर, ताकि इंडिया और जर्मनी का ट्रेड बढ़ पाए, ठीक है, वही मतदा है। तो इंडिया और जर्मनी बेसिकली काम कहां पे करने वाले हैं, इंफ्रा पे, वही लॉजिस्टिक पे काम करेंगे लोग, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी कैपिटल यूरो, करेंसी यूरो, कैपिटल बर्लिन, और यहां के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वाल्टर, ये दोबारा अभी बने प्रेसिडेंट, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट समय की, तो इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया था, क्या किस लिए, इंटेंट और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर एंड द क्लीन हाइड्रोजन, मैंने कल पढ़ाया आपको। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, ये लोग मिलकर बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड डिप्लॉय करेंगे अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर एंड द क्लीन हाइड्रोजन, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इंडिया हैज साइंड अ एमओयू विद ऑस्ट्रेलिया ऑन द टूरिज्म कोऑपरेशन इन न्यू दिल्ली, तो ये भी हमने पढ़ा है आपको, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये था दोस्तों, आगे बढ़े और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, ठीक है दोस्तों। कल इसका एमसीक्यू मैं करा चुका हूं अपनी क्लास में, बैंक ऑफ बड़ौदा साइंड एमओयू विद असम राइफल्स टू प्रोवाइड सेंट्रल फोर्स सैलरी पैकेज, सेंट्रल
फोर्स सैलरी पैकेज, मतलब असम राइफल। असम राइफल हमारे देश में क्या है दोस्तों, एक सेंट्रल फोर्स है। तो असम राइफल में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सैलरी अकाउंट जो है, सैलरी अकाउंट अब वो कहां खुलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलेगा। ठीक है, देखिए आप दोस्तों पूरा पॉइंट किया आपके पास। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एग्रीमेंट साइन किया विद असम राइफल। ठीक, इससे क्या फायदा होगा कि मतलब इससे बड़ौदा सेंट्रल फोर्स सैलरी पैकेज खुलेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में करें तो असम राइफल्स के जो एम्प्लॉई हैं उनका सैलरी अकाउंट यहां पे खुलेगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई बैंक की असम राइफल्स ने किस बैंक से एग्रीमेंट किया है और असम राइफल के एम्प्लॉई का सैलरी अकाउंट किस बैंक खुलेगा, आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये था, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा, संजीव चड्ढा इज द एमडी एंड द सीईओ, टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक। और दोस्तों ध्यान देना, बात है 2019 की, देना बैंक और विजया बैंक ये दोनों बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलकर खत्म हो गए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे देश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। बॉब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, और यहां पर हम बात करेंगे टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड AAA लिमिटेड साइन MOU टू प्रमोट द डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है, ये ट्रिपल ए क्या, ये ट्रिपल ए क्या। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें हमारे देश में, हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट का एक सपना था उड़े देश का आम नागरिक, यानी हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री को सस्ता करना, हालांकि अभी वो हो नहीं पाया। तो ये ट्रिपल ए क्या है दोस्तों, यहां पर देखो तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है विद द एलियंस एयर एविएशन के साथ। एलियंस एयर, एलियंस एयर हमारे देश में एक लो कॉस्ट कंपनी है, फॉर द एयरलाइन कंपनी है लो कॉस्ट। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एलियंस एयर एविएशन से एग्रीमेंट किया है टू बूस्ट द कॉपरेशन फॉर द प्रमोशन एंड द मार्केटिंग ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म थ्रू द कंट्री। ठीक है, और देखते हैं यहां पर कुछ पॉइंट है। एलियंस एयर इज द फ्रंट रनर इन प्रमोटिंग द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए मतलब क्या इसका, मतलब इसका यह है कि एलियंस एयर एविएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से एग्रीमेंट किया है कि हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि मतलब अलग अलग टूरिस्ट साइट के लिए ये अपने ये एयरलाइन लॉन्च करेंगे, ये इसका मतलब होगा। तो जो हमारे देश में अलग अलग साइट्स हैं वहां पर इजिली पहुंचने के लिए ये अपने एयरक्राफ्ट, अपने हेलीकॉप्टर या कुछ भी लॉन्च करेंगे। तो ट्रिपल ए का मतलब क्या हुआ, एलियंस एयर एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो गया। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, स्टेट लेवल न्यूज की बात करते हैं। देखिए मिजोरम टू गेट मोटर रेसिंग ट्रैक नियर द एजवाल एयरपोर्ट। तो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट का पहला, हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट का पहला मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक बनने जा रहा है एजवाल के पास। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने देखिए उसमें पे। तो मिजोरम विल सून गेट अ मोटर रेसिंग ट्रैक विच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यानी हमारे भारत के ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न में पहली बार मोटर रेसिंग ट्रैक बनने आ रहा है, और वो ट्रैक बन रहा है मिजोरम के एजवाल के पास, मिजोरम के एजवाल के पास। द प्रपोज प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, और देखो ये कहां बन रहा है, ये बन रहा है लैंगपुई में। लैंगपुई जो है ये 31 किलोमीटर दूर है आपके एजवाल के, वेयर द लोन स्टेट्स एयरपोर्ट इज लोकेटेड, जहां पर एयरपोर्ट भी है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे देश में पूरे ईस्ट का एंड नॉर्थ ईस्ट का एजवाल पहला मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक बनने जा रहा है 10 करोड़ कॉस्ट की, और ये एजवाल के पास लैंगपुई बन रहा है। तो इंफॉर्मेशन की आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, मिजोरम दोस्तों, मिजोरम कैपिटल इसकी एजवाल है। मिजोरम स्टेट बना 20 फरवरी 1987 को बना। मिजोरम में लिटरेसी रेट है 91.33%। मिजोरम में सेक्स रेशियो है 976, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 976 महिलाओं का अनुपात है यहां पे। ठीक, मिजोरम में विधानसभा सीट है 40, लोअर हाउस एक, मतलब राज्यसभा, सॉरी लोकसभा की सीट यहां पर एक है, राज्यसभा की सीट यहां पर एक है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहां पर 8 है। ठीक, मिजोरम उत्तर है। मिजोरम का हाईकोर्ट कहां पे, गुवाहाटी हाईकोर्ट है यहां पे। ठीक है, और अगर बात करें नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क एंड फंगपुई नेशनल पार्क, ये याद कर लीजिएगा नेशनल पार्क। ठीक, तो मिजोरम की बात कर रहे हैं, मुरलेन एंड फंगपुई नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क मिजोरम में है। ठीक, मैंने ट्रिक बनाई थी उसकी, पवन ने मुरली बजाई। मुरली तो पवन का मतलब क्या हो गया था आपका, फंगपुई नेशनल पार्क, और मुरली का मतलब क्या हो गया था, मुरली नेशनल पार्क। तो इस तरह याद कर सकते हैं, मिजोरम की बात कर रहे थे यहां पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट,
गुजरात सरकार ने अनाउंसमेंट किया है न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर 2027। तो गुजरात सरकार आजकल अपनी बहुत सारी पॉलिसी लॉन्च कर रही है। इन्होंने अपनी नई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च की है जो कि 2022 से 27 तक चलेगी। आप देख लीजिए, तो गुजरात सरकार ने अपनी नई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च की है फॉर द 2027। तो एक इंफॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की बात करें, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर द ईयर 2027, एम टू अचीव द आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों ध्यान से बात सुन लो, गुजरात सरकार है, आपके एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च की है गुजरात ने। ईयर 22 से 27 तक ईयर है, तो एक पॉइंट आपके सामने ये है दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है, गुजरात कैपिटल गांधीनगर, फॉर्मेशन 1 मई 1960, लिटरेसी रेट 78.03%, सेक्स रेशियो 1000 मेल एंड 919 फीमेल, ये रेशियो है यहां पे। विधानसभा की 182 सीट है यहां पे, लोकसभा की 26 सीट यहां पे हैं, राज्यसभा की 11 सीट यहां पे हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 यहां पे हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें तो हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, आपको जो मेन ध्यान देना है यहां पे, दो डैम, सरदार सरोवर डैम, उकई डैम, कड़ाना डैम एंड करजन डैम। तो डैम की भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पे दी है क्योंकि ईएसआईसी के एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, डैम की इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ब्लैकबक, गिर, मरीन एंड वंसदा। तो कैसे याद करेंगे हम लोग, गुजरात की ब्लैकबक, हिरण होती है ब्लैकबक, ठीक है, ब्लैकबक वन में गिरकर मर गई। ठीक, इसका मतलब हम बात करें गुजरात की, बात करें गुजरात की। ठीक है, गुजरात की ब्लैकबक मतलब ब्लैकबक नेशनल पार्क, ठीक, वन में गिर के वन का मतलब वन नेशनल पार्क। ठीक है, गिर के मतलब गिर नेशनल पार्क, मर गई मतलब मरीन नेशनल पार्क। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, गुजरात की ब्लैकबक वन में गिर के मर गई, ट्रिक आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, तो आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, केरला फर्स्ट कारवान पार्क टू कम अप इन द वागामोन। तो केरला का पहला कारवां पार्क जो है वो वागामोन में बन रहा है। केरला का पहला कारवान पार्क ये कहां बन रहा है, वागामोन में। वागामोन एक प्लेस है। कारवां पार्क का मतलब क्या होता है, देखिए COVID-19 के टाइम पर ऐसा हो गया कि मतलब कि मैक्सिमम टूरिस्ट साइट बंद हो गए, तो केरला गवर्नमेंट ने एक अलग तरीके का टूरिस्ट शुरू किया कारवां। इसका मतलब क्या है, ऐसे एरिया जो काफी बड़े हैं, ब्रॉड हैं और जो अनटच्ड हैं, उन एरिया को डेवलप किया जाएगा ताकि ड्यूरिंग द COVID-19 भी पब्लिक को हम वहां पे छूट दे सके, इतना बड़ा वो एरिया हुआ हमारा, है ना। तो देखिए, केरला का पहला कारवां पार्क टू कम अप इन द वागामोन। ठीक है, देखिए, तो केरला का पहला कारवान पार्क ठीक, इज ऑल सेट टू कम अप इन द वागामोन। ये क्या बेटा, ये एक हिल स्टेशन है लोकेटेड इन द इदुकी डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आपका वागामोन है, ये केरला के इदुकी डिस्ट्रिक्ट में है और यहां पे केरला का पहला कारवान पार्क बन रहा है, कारवां। ठीक, द पार्क इज पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट न्यू कारवां टूरिस्ट पॉलिसी। मैंने क्या बोला, नई पॉलिसी ये वुड बी थ्रोन ओपन टू ट्रेवलर्स। ठीक है दोस्तों, कारवां टूरिज्म वॉज इंट्रोड्यूस बाई द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एज अ सेफ मीन्स फॉर हॉलीडेइंग एट अ टाइम व्हेन द पीपल आर अनेबल टू स्टेप आउट टू ट्रेवल ड्यू टू COVID-19, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो केरला सरकार का पहला कारवां पार्क ये कहां बन रहा है, कौन डिस्ट्रिक्ट है, आप देखो यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, फेस्टिवल इवेंट की। फेस्टिवल इवेंट में हमारे पहले इंफॉर्मेशन दोस्तों, देखो डिफेंस एक्सपो 2022 और यहां पे 900 से ऊपर फर्म्स जो है वो हिस्सा रहने वाले। डिफेंस एक्सपो एक तरह का एक्सपो होता है जो हर दो साल में हमारे देश में होता है, हर दो साल में। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2014 से, फिर 16 में हुई, फिर 18 में हुई, फिर 20 में हुई, अब 22 में होने वाली है और ये कहां पर, गांधीनगर गुजरात में होने वाली है। ठीक है, इसके पहले लखनऊ में हुई थी, लखनऊ में। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन सामने हो। एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो ये गांधीनगर गुजरात में शुरू हो जाएगा मार्च में। ठीक, और क्या बोला गया, मोर देन 900 डिफेंस फर्म्स एंड 55 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन इट। यानी 55 देशों से 900 से ज्यादा फर्म्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, डिफेंस एक्सपो वॉज ट्रेडिशनली हेल्ड इन दिल्ली 14 में
आफ्टर विच इट हैज बीन सीइंग स्टार्टिंग वेन्यू गोवा, चेन्नई में हुआ, लखनऊ में हुआ, और अब कहाँ पे हो रहा है, गांधी गुजरात में हो रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास आज की इन्फॉर्मेशन। इसके एमसीक्यूज के लिए हम मिलेंगे रात में 10 मिनट पे, और फिर हम मिलेंगे मंडे को। कल हमारी क्लास नहीं होती है, आपको बताया शायद मेरे ख्याल से, ठीक है दोस्तों। आपको इन्फॉर्मेशन क्या देनी है कि आपका जो ये टेस्ट है, जो आपका मतलब बेसिकली स्कॉर्पियस, ये अब आपका 27th को होने वाला है, ध्यान दीजिएगा 27th को, जहां पर कौन कौन से प्राइज मिलेंगे आपको, ये आपको बताया, ठीक। टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस 16 फरवरी दोस्तों, ये सारे बैच लाइव हो रहे हैं अनअकैडमी पर। और अगर मैं आपसे बात करूं तो मेन मुद्दा क्या, देखो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि आज आपके लिए 19 फरवरी रात के 12 बजे तक आपको अनअकैडमी पर 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, यानी 12 बजे के बाद ये कम हो जाएगा और ये 10% आपका हो जाएगा। तो अभी भी मौका आपके पास है, हमारा कोड यूज करिए AVP10 और इसके थ्रू आप एडमिशन लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो एक बात ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। अच्छा मैं अपनी बात करूं तो मेरा जीत बैच 16 तारीख से लॉन्च हो चुका है, जहां पर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, और टाइमिंग इसकी 10 AM पे, 10 AM पे हमारी क्लास होती है डेली। तो अगर आप चाहें तो इस बैच में एडमिशन आप ले सकते हैं फॉर द बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं, देखो यहां पे 26 फरवरी सुबह 9 बजे, ठीक, मेरा एक टेस्ट होता है अनअकैडमी पर, बैंक स्टैटिक GA टेस्ट, और ये GA का होता है, मेरे नाम से होता है। आप इसमें तो इसमें आपको करना पार्टिसिपेशन 9 PM पे होगा, ये 9 PM पे रात में 9 बजे 26 फरवरी को टेस्ट है हमारा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और गाइस आज के डाउट फैसिलिटी आपको यूज करनी चाहिए, अनअकैडमी आपको दे रही है समय, आइकॉनिक फीचर से एडमिशन लेने पर फायदा क्या मिलता है, आपको डाउट में प्रायोरिटी मिलती है, और आपको लाइव क्लास में रेजर हैंड में प्रायोरिटी मिलती है। तो आइकॉनिक फीचर की एडमिशन की प्राइस क्या है, समय प्राइस है 24 महीने की फीस आपकी 9,360 रुपए है, और 12 महीने की फीस आपकी 7,800 रुपए है, और अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिला दोस्तों। तो हमारा कोड यूज करिए आप, ठीक, और एडमिशन आप यहां पे ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं केवल प्लस की, अगर आपको प्लस एडमिशन लेना है तो 24 महीने की फीस आपकी कितनी है, 7,800 रुपए, और एक साल की फीस आपकी कितनी है, 6,500 रुपए। 20% डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा एडमिशन, इसमें कोड का यूज AVP10, ये हमारा कोड है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं आपसे रात में 10:10 पर आज, और बात करेंगे हम लोग डेली CA MCQs की, कहां पे, अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, ठीक है। थैंक यू।